हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी एग्जामिनेशंस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ एनरोलमेंट जीएसटी प्रैक्टिशनर्स। जो जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है। तो ये कौन कौन, कब है जीएसटी एग्ज़ाम, कौन इसको कौन बन सकता है जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, इसकी फ़ीस कितनी है, उसके बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जीएसटी एजुकेशन के रिलेटेड जो भी नई नई अपडेट्स होगी वो आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ने यह नोटिफिकेशन इश्यू किया था 16 अप्रैल को 2019 को ये नोटिफिकेशन हमें दी थी। इसमें बताया गया है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर जो भी बनना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बताया गया है। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर की जो भी फॉर्म है ये 21 मई को जीएसटी पोर्टल पर प्रैक्टिशनर के लिए आप फॉर्म यहां से भर सकते हैं। 21 मई से 4 जून तक आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। तो कौन भर सकता है जीएसटी प्रैक्टिशनर का फॉर्म? तो एनी ग्रेजुएट पर्सन, जो भी ग्रेजुएशन पर्सन है, ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो जीएसटी प्रैक्टिशनर की एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी एलएलबी हो, बीए हो, बीकॉम हो, किसी भी डिग्री से हो, लेकिन आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी फ़ीस कितनी है? तो यहाँ पर दिया गया है कि ₹500 आपको यहाँ पर पे करने होंगे। ओनली ₹500 आपको यहाँ पर पे करने होंगे। जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको यहाँ पर ₹500 फ़ी हो सकती है। इसकी एग्ज़ाम जो है 14 जून, यहाँ पर 14 जून को जीएसटी प्रैक्टिशनर की एग्ज़ाम होगी। इसके लिए टाइमिंग यहाँ पर दिया गया है 11 बजे से 1:30 बजे तक का यहाँ पर आपको टाइमिंग दिया जाएगा। 1.5 घंटे का आपको यहाँ पर टाइमिंग होगा। इसके बाद हम यहाँ पर जीएसटी सिलेबस के जो भी पैटर्न है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है ये अढ़ाई घंटे का आपका यहाँ पर टाइमिंग होगा। 2.5 घंटे का आपको यहाँ पर टाइमिंग दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। उसमें से आपको 100 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। मैक्सिमम मार्क जो होंगे वो 200 होंगे, मतलब एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होंगे। क्वालिफिकेशन मार्क्स, आपको 200 मार्क्स आपको लाने हैं, मतलब 50% आपको पास करना है, 50% आपको आना चाहिए, आप पास होने चाहिए। इसके बाद सिलेबस की मैं यहाँ पर बात करूँ तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी एक्ट 2017 आपको याद कर लेना है। IGST रूल 2017 आपको याद कर लेना है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये भी आपको याद करना है। यूनियन टेरिटरी ऑफ गुड्स सर्विस ये भी आपको देखना है। इसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन स्टेट ये भी आपको याद कर लेना है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल 2017 ये भी आपको याद करना है। IGST रूल 2017 ये भी आपको याद करना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स SGST रूल, सभी रूल और सभी एक्ट आपको यहाँ पर याद कर लेना है, देख लेना है। और इसके बाद GST के जो भी लॉ है वो भी आपको देख लेना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस की। फिर से एक और बार मैं आपको बता देता हूँ कि 21 मई को ये आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी फ़ी जो है वो ₹500 है। टाइमिंग कितना है? 2.5 घंटे का आपका टाइमिंग है।
और ये 14 जून से 14 जून को आपकी एग्ज़ाम होगी। तो आज का इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करे, शेयर करे और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दे। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन जीएसटी अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।